नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे छोटा सा कॉफ़ी मॉग में आप मॉस रोज का प्लांट लगाएंगे और बहुत सारा फूल पाएंगे उसी का टिप्स है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अपडेट के साथ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉफ़ी का मग लिया है, उसमें मैंने ड्रेनेज झोल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस ड्रेनेज झोल को ये सूखे पत्ते की मदद से मैं इसको कवर करूँगी। इससे क्या होगा, सूखे पत्ते से पत्ते की मदद से ड्रेनेज झोल कवर हो जाएगा और सूखे पत्ते का जो खाद है वो प्लांट को मिलता रहेगा। फ्रेंड यहाँ पे मैंने सॉइल मिक्सिंग लिया है, ये कोकोपीट है, ये गोबर के खाद है और ये गार्डन सॉइल है। मैंने 50% कोकोपीट लिया है, 30% गोबर की खाद लिया है और 20% गार्डन सॉइल लेके इसका सॉइल मिक्सिंग रेडी किया है। ये बहुत ही लाइट वेट सॉइल मिक्सिंग है और वेल डन भी है। फ्रेंड छोटा सा कंटेनर में जब आप प्लांट लगाएंगे तो उस पर खाद ज़्यादा देना चाहिए और सॉइल मिक्सिंग लाइट होना चाहिए, तभी प्लांट अच्छा तरह से लगता है और बहुत सारा फूल भी देता है। ये मैंने मॉस रोज का कटिंग दिया है, कुछ अलग अलग कलर का, उसका जो नीचे का पत्ता है उसको हटाकर मैं अभी इसको लगाऊंगी। फ्रेंड छोटा सा होल करके उंगली की मदद से इस प्लांट को मैं अभी लगा रहा हूँ। इसको क्या करना है, लगाने के बाद पानी ऐड करके इसको 2-3 दिन शेड एरिया में रखना है। उसके बाद इस प्लांट को क्या करना है, फुल सनलाइट में रखना है। ये प्लांट बहुत ही सनलाइट पसंद करते हैं, इसलिए इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कुछ दिन के बाद ये प्लांट कैसा ग्रोथ करता है। फ्रेंड ये देखिए 20 दिन के बाद मेरा जो प्लांट है उसमें कितना सारा फ्लावर खिला है और फ्लावर का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कलरफुल और प्यारा सा फ्लावर है ये। इतना सारा फ्लावर ऐसे छोटा सा कंटेनर में खिलाने का जो राज है वही मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। फ्रेंड उसका मेन जो बात है वो है फर्टिलाइज़र। इस प्लांट पे मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है जो इतना सा प्लांटर में भी इतना खूबसूरत फूल खिला है। फ्रेंड सॉइल मिक्सिंग में जितना फर्टिलाइज़र मैं मिलाया था वो तो है ही, उसके बाद प्लांट लगाने का 5 दिन के बाद ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे लिक्विड, इसको मैंने 7 दिन में एक बार इस प्लांट पे दिया है। ये बनाना पिल का फर्टिलाइज़र है, इसको कैसे बनाते हैं उसका अलग वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये मैजिकल वाटर की तरह काम करता है, जिस भी प्लांट पे आप ये फर्टिलाइज़र देंगे वो प्लांट फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड मैंने सारा सीक्रेट बता दिया है कैसे आप छोटा सा प्लांटर में बहुत सारा फूल पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप घर पे बहुत सारा मॉस रोज प्लांट लगाएंगे और आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मिलती हूँ।